सो हे गाइस, तो भाई आज 2 जुलाई है, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो 3 जुलाई को। एंड स्टेनोग्राफर का फुल लाइव मॉक टेस्ट जो है मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली उस सेंस में लाइव नहीं, लेकिन मैं सॉल्यूशन जो है वो लाइव इसका करने वाला हूँ। अभी 6:20 हो रहे हैं शाम के, और मैं इसको 8 बजे से पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, यानी 1 घंटा 40 मिनट में। सो पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट का आपको यहाँ दिख रहा होगा, 190 रैंक थी, यहाँ पे 49 रैंक है। दोनों में 99 से ऊपर की परसेंटेज बनी है। सो तीसरे टेस्ट में भी मैं कोशिश करूँगा कि 99 की परसेंटेज जो है वो क्रॉस कर पाऊँ। वैसे आज थोड़ा सा बैड लक चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, CGL और CHSL दोनों में ही। लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम कटें। सो थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर लैंग्वेज रखेंगे इंग्लिश। एंड आई हैव रेड, रेडी टू बिगिन। इसमें आप लोग ना ये देखना कि मैं अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूँ इंग्लिश को, अगर तुक्के भी मार रहा हूँ तो कहाँ से, कितने तुक्के ठीक जा रहे हैं कितने नहीं। द स्कीम डैश फॉर वांट ऑफ रिसोर्सेज, द स्कीम फेल डाउन, फेल ऑफ, फेल थ्रू, फेल ओवर, फेल डाउन फॉर, फेल डाउन, आई थिंक फेल डाउन। अ न्यू फोन हैड बीन बॉट बाई मी, आई हैड बॉट अ न्यू फोन, ठीक है, ओके। व्हेन आर यू कमिंग टू मीट मी, राम सेड टू मी। व्हेन आर यू कमिंग, राम आस्ट मी व्हेन आई वॉज कमिंग टू मीट हिम, ठीक है, ओके, यही होगा, कमिंग टू मीट हिम, ओके। एक्सट्राडिक्शन, एक्सट्राडिशन, एक्सट्राडिशन का एंटोनिम, डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन, बैनिशमेंट, रिफाउलमेंट, एक्सट्राडिशन, एक्सट्राडिशन, इसका मतलब क्या होता है यार एक्सट्राडिशन, इसका मुझे मतलब ही नहीं पता है। डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन, रिफाउलमेंट, बैनिशमेंट, मैं बैनिशमेंट लगा रहा हूँ, रिफाउलमेंट। चलो मैं इसमें तुक्का मार रहा हूँ, इंग्लिश काफ़ी सॉलिड आ रही है आजकल, पता नहीं तो मैं तैयारी नहीं कर रहा। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पाउडर्ड शुगर इन हिज शॉप। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पाउडर्ड शुगर, अ लार्ज नंबर ऑफ पाउडर्ड शुगर नहीं, अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ पाउडर्ड शुगर होना चाहिए ना, सो बी में गलती है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी बाई सेइंग दैट आई वॉज ब्रिलियंट ऑन स्टेज, शी सेड टू मी, ब्रावो यू आर ब्रिलियंट ऑन स्टेज, यू वर ब्रिलियंट, टोल्ड ब्रावो, ब्रावो यू वर ब्रिलियंट, सो आई थिंक फर्स्ट वाला ही सही रहेगा। फियोना इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, ओके, आई हैड गॉन, डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, फियोना आस्ट मी, वेर आर यू गोइंग टू, हैड यू बीन गोइंग, गलत है। सर अलेक्जेंडर फ्लैमिंग हु डैश अवार्डेड, हु वॉज अवार्डेड द प्राइज फॉर द डिस्कवरी, हैड गिवन अ डैश वार्निंग, प्रोफेन वार्निंग, प्रोफेन ही होती है वार्निंग तो, सबड्यू कोलिजन, प्रोफाउंड वार्निंग, आई थिंक प्रोफेन वार्निंग, प्रोफेन वार्निंग, ओके। देर इज द डेंजर दैट द इग्नोरेंट मे इजिली अंडरडोज हिमसेल्फ एंड बाई डैश हिज माइक्रोब्स एंड बाई एंड बाई डैश हिज माइक्रोब्स टू नॉन लीथल क्वान्टिटीज ऑफ ड्रग, मेक दैम रेजिस्टेंट, नॉन लीथल क्वान्टिटी ऑफ ड्रग्स एंड बाई एक्सपोजिंग, आई थिंक एक्सपोजिंग हिज माइक्रोब्स टू, विद इन अ सेंचुरी ऑफ हिज डिस्कवरी, डिस्कवरी या प्रोफेसी, वार्निंग है ना, इम्प्रूडेंस, डिस्क्रीश, इनडिस्क्रीशन, इग्नोरेंस, प्रोफेसी, आई थिंक द टाइम हैज़ कम, आई थिंक प्रोफेसी, द टाइम हैज़ कम, आर डैश यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, आर रैकलेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग पेंसिलिन हैड गिवन राइज टू बैक्टीरिया, वायरसेस, वायरसेस, फंजाई, फंजाई एंड पैरासाइट्स हैव
दैट हैव बिकम डैश टू कॉमनली दैट हैव बिकम रेजिस्टेंट. ओके वट इज़ मोर कंसर्निंग इज दैट दीज माइक्रोब्स आर इवॉल्विंग फास्टर देन वी कैन इन्वेंट ड्रग्स टू टैकल दैम. आर डैश ऑफ एंटी माइक्रोबियल आर स्टैश या डिसएग्रीमेंट नहीं आर स्टैश ऑफ स्टैश होता है क्या या स्कैटर नहीं लैक भी नहीं आर लैक ऑफ आर स्टैश ऑफ ऐसा स्टैश ऑफ एंटी माइक्रोबियल इज डिक्रीजिंग मेरे ख्याल से इज ड्राइंग आउट ड्राइंग ऑफ ड्राई ऑफ ड्राइंग आउट आई थिंक ड्राइंग आउट वाइल मोर ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग्स आर इवॉल्विंग एंड डैश द वर्ल्ड रूलिंग द वर्ल्ड टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. ओके फुटबॉल हैड डैश शी हैड प्लेड फुटबॉल फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई हर. ओके कॉर्टियस खा के बताना है एंटोनिम है कॉर्टियस का होता है रूड. ठीक है दया लुक आउट शी डिसाइडेड टू डैश एज द कंपटीशन वॉज क्वाइट स्टिफ शी डिसाइडेड टू स्टैंड आउट स्टैंड डाउन लीव क्वाइट स्टिफ गेट आउट शी डिसाइड टू लीव एज द कंपटीशन वॉज. ओके हुज योर सिस्टर अमंग दीज थ्री पीपल इन द पिक्चर हुज योर सिस्टर अमंग दीज हु इज योर सिस्टर अमंग दीज थ्री पीपल. हु इज योर सिस्टर अमंग दोज थ्री अमंग दीज विच इज योर हु इज योर सिस्टर्स नो इम्प्रूवमेंट है. इट इज वन इज इफ यू इंट्रोड्यूस स्पीसीज दैट कैन सक्सेसफुली इन्वेड्स सॉरी दैट कैन सक्सेसफुली इन्वेड आएगा. ठीक है ओके दे स्वैम अक्रॉस द शालो शालो स्ट्रीम एंटोनिम बताना है शालो का होता है डीप बिकॉज द बिकॉज ही फिनिशेज हिज वर्क फास्ट देयर फॉर हिज कलीग्स थिंक ही इज नॉट अ हार्ड वर्कर बिकॉज ही फिनिशेज वर्क फास्ट दैट्स वाई हिज कलीग्स थिंक दैट्स वाई हेंस हिज कलीग्स थिंक दैट इज वाई हिज कलीग. ओके मेरे ख्याल से यही बेस्ट होगा. आंट क्रिस्टीन इज वार्मिंग अप द कार इज बीइंग वार्म्ड अप वार्म्ड अप हियर बीइंग वार्म्ड अप. ओके आ गया माउस. इन द थिएटर द ऑडियंस थ्रू फ्लावर्स ऑन द स्क्रीन इन द थिएटर्स फ्लावर्स वर थ्रोन बाय द ऑडियंस वाज थ्रोन आर थ्रोन. ठीक है इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम time arguing over who was to blame arguing over. ठीक है the commander said to his men be alert the commander said asked his men to be alert commanded his men to be alert commanded his men to be alert होगा शायद asked तो शायद ना भी आया. I have a great dash for them I have a great sympathy for them at this time because I have had okay sympathy aayega. The minister's attitude towards his voters is indeplorable antonym batana hai equitable commendable intolerable hoga alarming ka same batana hai alarming yani frightening consoling luring frightening hoga. The shopkeeper either offered to exchange the goods or to refund the money. The shopkeeper offered either to exchange the goods or to refund the money. Offered either. मेरे ख्याल से ये आगे आएगा ना. The shopkeeper either offered to exchange the goods or to refund the money. I think ये offered आगे आएगा. Shopkeeper offered either to exchange the goods. So first आएगा ए आंसर. She will not be bringing some food to the party.
शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग एनी फूड टू द पार्टी. सी होना चाहिए ना, एनी होना चाहिए. द पार्क इज ब्यूटिफुल लेड आउट, ब्यूटिफुली लेड आउट एंड कंटेन्स अ स्मॉल मैनेजरी, मैनेजरी मैनेगरी जो भी है. ब्यूटीफुली आएगा, ग्रामेटिकल एरर है. ब्यूटिफुली लेड आउट, ओके. आ स्कूल हैज़ बीन इशूड इंस्ट्रक्शंस टू रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू टू मोर टू आवर्स टूअर्ड्स द प्राइमरी क्लासेस. आ स्कूल हैज़ बीन इशूड इंस्ट्रक्शन टू रेस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू टू आवर्स. फॉर द प्राइमरी स्कूल होगा ना, फॉर द प्राइमरी स्कूल है ना, फॉर द प्राइमरी क्लासेस एक्चुअली. ध्रुव सेड आई विल नॉट डू, आई विल डू इट नाउ और नेवर. ध्रुव सेड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर, ठीक है ना. आई विल डू इट नाउ और नेवर, मेरे ख्याल से यही होगा. ओके, आई थिंक यही होना चाहिए. लूज इन द पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब क्या है, का सिनोनिम टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर. लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, मेरे ख्याल से जेब डिली करना. द नॉवेल टाइटल्ड वाइट टाइगर इज बींग रेड बाई हर, बींग रेड शी इज रीडिंग, ठीक है. नॉवेल टाइटल वाइट टाइगर, ओके. गो एस्ट्रे का मीनिंग बताना. बिकम वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बिकम अ, बिकम अ स्टेट ऑफ एंगजाइटी नर्वस वंडर ऑफ द राइट पाथ और सब्जेक्ट इन डिसऑर्डरली हेस्ट और कन्फ्यूजन. गो एस्ट्रे, गो एस्ट्रे का मतलब क्या है, वंडर ऑफ द राइट पाथ. ये भी नेगेटिव है, एंगजाइटी डिसऑर्डरली हेस्ट और कन्फ्यूजन, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है. गो एस्ट्रे राइट पाथ और सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव लग रहा है, तुक्का मारते हैं ना, बाकी गलत भी हो सकता है. शी सेड टू मी Do you like coffee? She asked me if I liked coffee. If I like coffee. Okay, I liked coffee. Father said, I have got a promotion. Father exclaimed that he had got a promotion. I have got, okay. Of all the teachers I have ever met, Dr. Subramanian Manyam is the most remarkable teacher I have ever met. Of all the teachers I have ever met, Dr. Subramanian is the most remarkable teacher. Is the most remarkable teacher. I think D ही answer है. मुझे तो लगता नहीं कोई. Of all the teachers. Yeah, out of all the teachers. चलो tactless. Tactless का क्या है? Synonym. एफेबिलिटी, कॉलस, प्रूडेंट, डिस्क्रीट. डिस्क्रीट ये दूसरे वाला डिस्क्रीट है. टैक्टलेस छोड़ना पड़ेगा यार इसका, मेरे को नहीं पता. फॉर टू लॉन्ग ह्यूमंस हैव बीन सफर, ह्यूमंस हैव सफर्ड फ्रॉम एंग्जाइटी एंड फियर अराउंड द एंड ऑफ लाइफ. रिलीजियस रिलीजियंस हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेडिकल साइंस एंड इंटेलेक्चुअल्स हैव एक्सप्लोइटेड ग्रीफ एंड सेंस ऑफ लॉस फॉर सेंचुरीज. अनसर्टेनिटी अराउंड द प्रोसेस ऑफ डाइंग फोर्स्ड leaders and thinkers to come up with some explanation about natural phenomena. Unfortunately, the solutions proposed added to the negative thinking, fear and darkness. Concepts of hell, sin, torture, punishment and painful death reinforced the anxiety. Great collection of individual human efforts have gone into activities primarily designed to prevent death. The invention of fire and agriculture were basic tools that prevented ultimate untimely death. Clothes, safe places to sleep, easy access to basic life needs were all invented to prolong life and improve its quality. The desire to live longer or perhaps forever has driven humans to invent great things. The science of medical as a whole is a tool devised primarily to keep people alive as long as possible. Prevention, cure, regeneration and prosthetic techniques have developed into a large industry and thrive on the desire to live longer, healthier and better looking. Lives, however, every time a person dies, medicine now thinks it is a failure of science. The facts of death are largely unknown, so the facts about God and religion
The combination of these two facts of death and God has created an ever more fearful ambience. Enigma of death, in a way, is the root cause for this stranglehold of religion over society and a source for the invention of a god. The food we eat, the clothes we wear, the doctor we see, and the scripture we read all were primarily invented to either prevent death or address the fear of it, which when combined has created an even more terrifying atmosphere. Even more, ye hai death and about God and religion. The fears of death, even more, fears of death and God, okay. Medicine think whenever a person dies, medicine think scientific failure hai, theek hai. Who manipulated the grief and sense of loss? Who manipulated the grief and sense of loss? Who manipulated the grief and sense of loss? कहाँ पे है? ग्रीव एंड ओके ये रहा मेडिकल साइंस एंड रिलीजन हायरार्किकल स्ट्रक्चर. मेडिकल साइंस 1 एंड 3 है, रिलीजन्स है, मेडिकल साइंस है. व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू अवॉइड एन अनटाइमली डेथ? अनटाइमली डेथ से बचने के लिए कौन से, सो यहाँ पे था एक अनटाइमली डेथ का एक देखा था मैंने, ये रहा. एग्रीकल्चर एंड इन्वेंशन ऑफ फायर एंड एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ ये रहा. Invented basic tools like fire and agriculture that prevented death, untimely death. What impact did leaders and philosophers' solution to death have on humans? What if impact leaders ka aur kahan pe hai ye? बेटर लुकिंग पर्सन मेडिसिन फेलियर कहाँ पे गया? यहाँ यार मैंने देखा था, कहाँ था वो? एक मिनट, सेंचुरीज ये रहा. फोर्स्ड लीडर्स एंड थिंकर्स टू कम अप विद एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचुरल फिनोमिनन. For centuries, uncertainty around the process of dying forced leaders and thinkers to come up with some explanation about the natural phenomenon. Unfortunately, the solution proposed added to the negative thinking. Okay. Ended the negative thinking, exacerbated the negative thinking. बद से बदतर कर दिया, यही है. बद से बदतर कर दिया है ना. Positive thinking influenced. बद से बदतर कर दिया, यही है. ओके. द ताज महल इज अ ब्यूटिफुल मोन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ बाई एन एम्परर. बी डी ए सी भी हो सकता है, ठीक है. BDAC. वी अर्ज्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस. वी सेड टू हिम माइंड योर ओन बिजनेस. Okay, you are being laughed at by them. They are laughing at you. ठीक है. The atmosphere in Punjab was tense on account of the agitation organized to oppose the infamous Rowlatt Act. RPQS. ठीक है. Neither the boys nor the teacher is present, ठीक है ना. Mother said to her son, wait here till I return. Mother told her son to wait there till she returned. Okay, बढ़िया. But no word did he speak. There he cared for them with love and kindness in their hearing,
बट नो वर्ड डिड ही स्पीक इन देयर हियरिंग देयर ही केयर फॉर देम विद लव एंड काइंडनेस बट नो वर्ड डिड ही स्पीक इन देयर हियरिंग आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू मेरे ख्याल से ये होना चाहिए देयर ही केयर बट नो वर्ड चलो छोड़ो एविडेंस बिकम्स इनकंट्रोवर्टिबल लीडिंग द स्टोरी टू इट्स लॉजिकल डिनोमेंट 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 डिन्यूमेंट डिन्यूमेंट तो हो भी सकता है शायद डिन्यूमेंट हो सकता है मेरे ख्याल से दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज अनलेस यू यूज अनलेस यू यूज द करेक्ट कोड विल नॉट ओपन ओके माई ग्रैंड मदर हैड अ ग्रीन थंब इज पेंटेड ग्रीन अ थंब रैप्ड इन अ ग्रीन इंजर्ड एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स इजिली हैज अ ग्रीन थंब हैज एन एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स इजिली आई थिंक ये होना चाहिए ना आई थिंक All the electrical poles in the suburb were destroyed by the cyclone last year. The cyclone destroyed, were destroyed and destroyed all the electric poles in the suburb. Destroyed all the suburbs. Nahin. Ramu has been delivering letters. The letters, he was 15 years old. Letters have been delivered. Theek hai. He was 15. Theek hai. प्रोफ्यूज का सिनोनिम बताना है स्टिंगी पार्सिमोनस प्रोफ्यूज क्या होता है यार प्रोफ्यूज नहीं पता चलो छोड़ो इसको ही शी सेड वी हैव बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स शी सेड दैट दैट दे हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स They had been watching, ठीक है ना ओके आई लाफ्ड एट द क्लाउन वॉज लाफ्ड एट बाई मी ओके वट इज देयर विच ही कांट बाई वट इज देयर विच ही कांट बाई वट इज देयर विच ही कांट बाई वैसे तो विच आ सकता है वट इज़ देयर दैट ही कांट बाई ये हो सकता है वैसे तो वट इज़ देयर वट ही कांट बाई वट इज़ हाउ ही कांट वैसे तो नो इम्प्रूवमेंट भी आएगा क्योंकि विच और दैट दोनों इस्तेमाल होते हैं लेकिन चलो ये लगाएंगे फिर योर गैस इज़ एज गुड एज माइन का टू हैव अ बेटर आइडिया दैन अदर्स टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर To have the same idea as another. Okay. Amid increasing pressure from domestic industry, lobbying group Government of India has allowed Chinese telecom giant Huawei to become a part of the working group for G5 rollout in the country. The Department of Telecom has made Huawei a part of the working groups that will conduct a study on the impact of G5 on finance, technology and healthcare. This is speculation that even ZTE is likely to be allowed to be part of the process. The decision has come even as Indian soldiers are engaged in eyeball-to-eyeball confrontation with the Chinese PLA after the latter tried to annex Indian territory along the line of actual control. The border standoff, which is now in its 7th month, has led to the loss of lives of 20 Indian soldiers who were martyred fewer than 250 days ago on 15 June during a violent clash at Galwan Valley in Ladakh. The government of India retaliation and to hit China financially has so far banned 200 Chinese mobile applications. Earlier, the Cellular Operators Association of India in a letter sent to DOT Secretary Anshu Prakash on 2nd December has urged the department to remove equipment and vendor-based application restrictions in order to carry out smooth 5G trials. In the country, this, according to industry sources, was an indication that the COAI was pushing for Chinese vendors such as Huawei and ZTE to be a part of the rollout of
5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया. द COAI इज एन इन्फ्लुएंशियल बॉडी दैट हैज मेंबर्स हु रिप्रेजेंट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. अमंग इट्स एसोसिएट मेंबर्स आर हुआई एंड ZTE. ईमेल सेंट टू सीकिंग देयर व्यू ऑन द कंसर्न बीइंग रेज्ड अगेंस्ट हुआई एंड ZTE एलिसिटेड नो रिस्पॉन्स अंटिल द टाइम द स्टोरी वेंट टू प्रेस. एक्सपर्ट्स साइट टू चाइनीज लॉज दैट फोर्स चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन फॉरन कंट्रीज टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन दैट चाइनीज एजेंसीज वॉन्ट फ्रॉम दैम. द 2017 नेशनल इंटेलिजेंस लॉ एंड 2014 काउंटर एस्पायनेज लॉ. करंट रोल ऑफ हुआई इन 5G टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया, क्या रोल है? हुआई स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ 5G ऑन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर टू डेवलप फाइनेंस एंड हेल्थ टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ दैट विल कंडक्ट अ स्टडी. ओके टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ 5G. ओके करंट डिस्प्यूट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस क्या है? देर इज अ बॉर्डर कन्फ्रंटेशन अलॉन्ग LAC, ठीक है ना? ओके वट इज कंसर्न विद चाइना चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज प्रेजेंट इन इंडिया क्रिएट्स अ पावर डिसबैलेंस हैम्पर्स द डेवलपमेंट और ट्रेड डेफिसिट सिक्योरिटी को करता है. इंडस्ट्री लॉबिंग ग्रुप प्रेशराइज द इंडियन गवर्नमेंट्स टू अलो, किसने किया? COAI ने. इन्फ्लुएंशियल बॉडी, ओके इसी ने किया फिर तो. वाई डिड चाइनीज डिप्लोमेट्स हैकल इंडिया? टू नॉट रिजॉल्विंग द बाउंड्री लाइन. डिप्लोमेट्स हैकल इंडिया कहाँ पे है? अच्छा ये भी था क्या? एक मिनट यार, व्हाट द हेक यार, ये क्या हो गया? कोई दूसरा पैर आ गया क्या? अच्छा अच्छा ये दूसरा था, यहाँ पे दूसरा है. द चाइनीज ऑन द पार्ट हैज इंडिकेटिंग दैट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैज एस्टेब्लिश्ड न्यू नॉर्मल इन ईस्ट लद्दाख बाई ट्रांस क्रेशन एंड इंडिया शुड मूव टू रिस्टोरिंग बायलैटरल टाइज बाय एक्सेप्टिंग द न्यू LAC. बीजिंग वांट्स इंडिया एंड चाइना टू सेलिब्रेट 70 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज एंड मूव्स टू रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज. दैट बाउंड्री डिस्प्यूट शुड बी केप्ट सेपरेट एंड रेजोल्यूशन पैरेलल टू ग्रोथ इन इकोनॉमिक टाइज हैज बीन द चाइनीज नैरेटिव सिंस द डेज ऑफ डेंग ज़ियाओपिंग. While the previous Indian regime believed that being soft to the PLA on border was a sure recipe for a peaceful and tranquil LSC, this was taken a sign of weakness by the Beijing rulers who time and again tried to change the unresolved line from Sakshgaon Valley to Karakoram in Kivitu in far east Arunachal Pradesh. Even junior diplomats from China heckled India for referring to Tibet and Xinjiang. Referring to Tibet and Xinjiang. A good Samaritan का मतलब talent for speaking, helpful person, fair for means make money and fairly. Samaritan, a helpful person. I think the courage of schemes remain patchy because of rampant leakages, poor execution and monitoring. क्या पूछा इसमें? Error. The coverage of schemes remains patchy. आएगा remains patchy. A में है गड़बड़. Determined का antonym क्या होता है? Suspicious, resolute, firm, stubborn. Suspicious होगा. On either side of trunk there was a एक मिनट क्या था antonym था ना? ठीक है. On either side of the trunk there was a few scattered tufts of short grass. It is towards one of those. A very violent cyclone storm has struck the forest, uprooting a number of trees. The trunk of tree is ripped apart and lying. It is towards one of these fallen trees that I am
आई वॉज दैट आई एम नाउ लुकिंग ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रंक देर वॉज अ फ्यू स्कैटर्ड टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट ग्रास. ओके सी बी सी बी फिर डी ए. मेरे ख्याल से ये सीक्वेंस होना चाहिए. डिफेमेट्री का एंटोनिम बताना है. डिफेमेट्री जो अपमान करे का एंटोनिम कॉम्प्लीमेंट्री. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू प्लान दैट दैट विल अलाउ ट्रेडर्स इन नेशन टू सेटल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस इन रुपीज़. दिस एक्शन एम्स टू सपोर्ट द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी इन द इंडियन रुपी एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड विद अ फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. दिस विल ऑल्सो सिंप्लीफाई ट्रेड विद कंट्रीज लाइक रशिया विच आर फेसिंग सैंक्शंस फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन रुपीज. एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कैन यूज अ स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट कनेक्टेड टू द कोरस्पोंडेंट बैंक ऑफ द पार्टनर नेशन. इंडिया इम्पोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स. Thus, the new arrangement will allow it to save money on foreign exchange when the corporation exports or imports. Under the existing paradigm, the transactions are always made in a foreign currency, excluding with the countries like Nepal and Bhutan. The Indian corporation must pay in foreign currency for imports, mainly dollar, and could not include currencies like pound, euro, yen, etc. When an Indian company exports, it's paid in foreign currency which it converts to rupee. Since it most condition it needs rupee to meet its demands. The new model with the RBI's arrangement, which analyst claim would increase the tradability of the Indian rupee and reduce reliance on the US dollar, has been welcomed as a progressive Indian reporters. Importers using this technique must pay INR against the invoices for the supplies of goods and services from the foreign suppliers, and INR must be credited into the special vostro account of the correspondent bank of the partner country. Indian exporters who use this technique to export products and services will receive payment in INR from the remaining balances in the specified special vostro account of the correspondent bank of the foreign partner through the aforementioned rupee payment mechanism. Indian exporters may get advance payment in Indian rupees from foreign purchasers against passage. Is mainly about RBI's policy on Indian rupee. RBI's updated policy on international transaction. I think ये है updated policy on international transactions जो कि रुपी में होंगे. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए. Okay, the property of a good or service that can be sold in another location distant from where it was produced is called the property of good or service that can be sold in another location. So tradability hoti hai. Which of the following is not true under the updated RBI's policy? New arrangement will not allow India to save money. Ye to galat hai. Special vostro account will be created. Bilkul theek hai. Indian exporters may get advance payment in any rupees from foreign purchasers against exports. Ira kahan pe hai? Indian importers nahi must import using the technique must pay INR against the invoices of the supplies of goods or services from the foreign suppliers must be credited into the country. Indian exporters who use this technique to produce export products and services will receive payment from the remaining balance in the specified remaining balance in IRA may get advance payments in Indian rupees from foreign purchasers. Not true पूछा है ना. ये भी true है. Will be credited ये भी true है. ठीक है. And ये भी true है. Indian exporters may get advance payments in Indian rupees from foreign purchasers against exports. सारा का सारा सही है. एक मिनट. अ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट. मेरे ख्याल से यही है फिर तो. विल बी क्रिएटेड वाला गलत होगा. देखूँ एक बार.
स्पेशल वोस्टो काउंट कनेक्टेड टू द कोरस्पोंडेंट वैंग नेशन। बैंको पार्टनर कंट्री, आई थिंक यही है जो इसमें आंसर होना चाहिए, नॉट ट्रू है, ठीक है ना। ओके, अफोर मेंशन्ड मींस डिनोटिंग अ थिंग पर्सन प्रीवियसली मेंशन्ड, यही है। वट इज़ द एम ऑफ आर बी आईज अपडेटेड पॉलिसी टू इंक्रीज ट्रांजेक्शन इन इंडियन रुपीज़ इन द वर्ल्ड वॉज टू, इफ द वर्ल्ड वॉज टू एंड टुमोरो वाई वुड यू स्पेंड योर डे टूडे, हाउ वुड। द लेडी सेड दैट ही कॉल्स हर, द लेडी सेड दैट ही कॉल्स हर वंस इन अ ब्लू मून। डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, द लेडी सेड ही कॉल्स मी, ऐसे यहाँ पे ही कॉल्स है, चलो फिर ही कॉल्स मी वंस इन अ ब्लू मून, वंस ही कॉल्ड मी इन ब्लू ही हैड बिन कॉलिंग। ओके, यही आएगा फिर तो। चूज द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द सेंटेंस, द बॉय इज अ फूल सेड द जेंटलमैन, द जेंटलमैन सेड दैट द बॉय वॉज अ फूल। हैज़ द कार बीन टोड बाई देम, हैव दे टोड द कार। द शो फ्लॉप्ड मिजरेबली टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट, टू द अटर का क्या बताना है, एट एन अटर डिसअपॉइंटमेंट, टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट, मिजरेबली एट एन अटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एवरीबॉडी। मे बी ठीक होना चाहिए, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा मेरे हिसाब से। चलो, ही सेड आई सॉ यू वर्किंग आउट येस्टरडे, ही सेड दैट ही हैड सीन मी, आई सॉ यू ही हैड सीन मी वर्किंग आउट द डे बिफोर। ओके, ही सॉ मी, ही सीइंग मी हैड सीन मी, ही रिप्लाइड दैट ही हैड सीन मी वर्किंग आउट येस्टरडे, यही आएगा फिर तो। कंसाइनमेंट्स का क्या, सेम कंसाइनमेंट्स का मतलब होता है डिटेनमेंट, कार्गो रिसीट्स, विद होल्ड कार्गो, कार्गो ही है ना, कार्गो ही होगा। माई बॉस सेट टू मी ऑल द बोर्ड मेंबर्स विल अराइव टुमारो, माई बॉस टोल्ड मी दैट ऑल द बोर्ड मेंबर्स विल अराइव, वुड अराइव द नेक्स्ट डे, वुड अराइव टुमारो, यही होगा, टोल्ड मी दैट ऑल द, ठीक है। इजार वॉज बोर्न इन 1922 इन द गैरिसन ऑफ मैसोर, नहीं बोर्न इन 1922, हाँ इन द गैरिसन ऑफ मैसोर लांसर्स विच इज इन पाल्या इन बेंगलुरु स्टिल रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ, इसका मतलब ये है। ओके, अ फ्रेश वाटर बायोम इज अ लार्जली कम्यूनल ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बायोम इज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ, ठीक है ना। द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग डैश राइजिंग स्टेडिली, साइंटिस्ट से दैट राइज इन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 1.8 डिग्री सेल्सियस टू 4. दिस डैश इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज नहीं, दिस रेज इन टेम्परेचर नहीं, भी नहीं दिस इंक्लाइन भी नहीं, इंक्लाइन होता है क्या, इंक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस रेज इन टेम्परेचर, राइज होता है वैसे, इंक्लाइन आएगा फिर तो, दिस इंक्लाइन डिक्लाइन इन टेम्परेचर, डिक्लाइन इंक्लाइन आएगा क्योंकि इंक्रीज तो एक वर्ब है ना, नाउन नहीं है, दिस इंक्रीज इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, या तो इंक्लाइन आएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ऑल्दो इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन, ह्यूमन एक्शन इज द डैश कॉज ऑफ, इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम एंड कोल डैश अलॉट रिलीज लीड्स टू
लीड्स लॉट में रिलीजेस अ लॉट ऑफ ओके अर्थ एटमोसफियर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस डैश फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर. ये तो ईजी यार. बिसाइड्स इतना डिफॉरेस्टेशन इज अ डैश मेजर इज अनदर मेजर कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स विच हैव सीवियरली डैश एग्रीकल्चर अफेक्टेड अफेक्टेड. नो वन कैन डैश दिस डिनाई दिस that this is the most serious environmental challenge that mankind is facing today. While it is not possible to reverse the process, the rate of global warming can be checked if all the countries dash some measures, adopt some measures. Dash of the measures is one of the measures is the recycling and reusing articles. Okay, first question. In 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर पीस एंड ऑफ खेड़ा गुजरात. सत्याग्रह वाज फॉर डिमांड ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स इरिगेशन फैसिलिटी रेन्यू हेल्थ सेंटर इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन या बेटर क्वालिटी सीड. खेड़ा सत्याग्रह है. रिलैक्सेशन रेवेन्यू कलेक्शन थी मेरे ख्याल से. ओके एला लक्कर दी आर द ट्राइबल डांसेस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. कथकली केरला लगाएंगे केरला लगाएंगे केरला. विच पेंटिंग ऑफ पिकासो वाज प्रिंटेड ऑन द इंडियन पोस्टेज स्टैम्प. थ्री म्यूजिशियन बॉय विद अ पाइप ये लगाते हैं चलो. विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. जिम कॉर्बेट का था जिसको हेली बोलते थे. आर्मी डे सेलिब्रेटेड. आर्मी डे शुरू में ही आता है 15 जनवरी. और नेवी डे तो नहीं 15 जनवरी चलो. इन विच स्टेट वॉज अ 3 डे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष 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 में भी इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल. चलो इसको तुक्का मारते हैं यार. हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन टू मेडल्स एट एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में प्रिया मोहन हिमादास टू मेडल्स एट वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स. हिमादास को लगाते हैं चलो. ये क्या हो गया ऐसा क्यों दिखा रहा है यार ऐसा क्यों दिखा रहा है. ये करेक्शन तो ठीक है मेरे ख्याल से. तो स्विच फुल स्क्रीन मेरे ख्याल से कनेक्शन ठीक होना चाहिए. आइडेंटिफाई द वाटरवेज विच सेपरेट अंडमान एंड निकोबार को कौन सा 10 डिग्री चैनल. द 13th एडिशन एंड ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट वज्र प्रहार. वज्र प्रहार हम किसके साथ करते हैं. बांग्लादेश या सऊदी अरबिया. वज्र प्रहार बांग्लादेश. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय एम वेंकैया नायडू. विंग्स ऑफ फायर नहीं लिखी गई. प्रेसिडेंशियल ईयर्स लिखी गई है. नहीं प्रेसिडेंशियल तो प्रेसिडेंट तो थे नहीं वो. ईयर इन ऑफिस ये मिलेगा शायद. डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्लैक वुमेन टू अपियर ऑन यू एस कॉइन. अभी अभी नाम था उसका. एंजेला मर्केल नहीं है. माया गोजियंको इसको लगाते हैं. तक्षशिला सेंटर ऑफ एजुकेशन महाजनपद किसकी थी. गंधार की. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज स्टार्टअप कैपिटल. बेंगलुरु बेंगलुरु. इन अक्टूबर 2021 चिल्ली कुत्ती तूर मैंगो जीआई टैग कहाँ से है. केरला मैं भी केरला. द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड
रिवर्स रेपो रेट, नहीं रेपो रेट होता है शायद, रेपो रेट होता है ना, रिवर्स रेपो रेट फिर उससे कम होता है। हाँ रेपो रेट होता है। कमर्शियल बैंक्स लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, रेपो रेट। चलो अयोध्या राम मंदिर निर्माण, नागर में नागर शैली। मौलिक अधिकार संविधान के किस में है? मौलिक अधिकार भाग 3, पहले में नागरिकता, नागरिकता के बाद, नहीं पहले में भारत के बारे में, फिर नागरिकता, फिर अधिकार है शायद। अनाउंस द कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान। फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की कन्नड़ के बाद कौन सी? तमिल, मे भी तमिल, बाकी हिंदी भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते भाई, कुछ नहीं बोल सकते। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना, हिंदी लगाएंगे, चलो देखेंगे तुक्का मार के। द डैश अमेंडमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101, 101 है ना, 104, 101। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाई प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड अप टू हाउ मच परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? 10%, ठीक है ना, LIC में 10% शायद। रेबीज डिजीज भाई, कॉज्ड बाई प्रोटोजोवा या वायरस, बैक्टीरिया से होता होगा शायद। द स्टडी ऑफ सोइल, सोइल को क्या बोलते हैं? भूमि विज्ञान, भूमि विज्ञान ही बोलते होंगे, पेडोलॉजी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना टू अचीव हाउसिंग, हाउसिंग भाई 2023 है, 22 तक तो हो गया काम, 20 तक तो। बाबर वॉज फाउंडर मुगल एम्पायर, ही केम टू इंडिया फ्रॉम अब फरगना, फरगना का था वैसे तो वो। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडियाज एंशंट लेगेसी ऑफ वेलनेस? तुक्का नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। राशिद खान गिवन पद्म भूषण अवार्ड इन फील्ड ऑफ राशिद खान, राशिद खान आर्ट में था, लिटरेचर एंड साइंस में या सिविल सर्विस में? चलो इसको लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल? नुसंतरा, नुसंतरा ने शायद, इंडोनेशिया ने जकार्ता से चेंज करके नुसंतरा किया है, मे बी। इसरोज मिशन आज़ादी सेट प्रिपेयर्ड हाउ मेनी गोल्स? छोड़ो इसको। आर्टिकल 243 सी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, डेफिनेशन पर कंपोजिशन ऑफ, इसको छोड़ते हैं। टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट विच डे, विच डे? 28 फरवरी नेशनल साइंस डे शायद। लार्जेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया, केव के अंदर है जो कैलाश टेम्पल एलोरा आई थिंक। मॉडर्न पीरियड द संहर्ता स्टैंड फॉर कलेक्टर, कलेक्टर कलेक्टर, कलेक्शन एंड, कलेक्शन एंड असेसमेंट, नॉट करेक्ट। कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, यही है बस, ठीक है। रैंक ऑफ गौतम अडानी पर ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स अगस्त 2022 में, 2022 में यार वो फर्स्ट पे भी रहा है, सेकंड पे भी था वैसे तो, थोड़े टाइम के लिए था लेकिन सेकंड नंबर लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, सेकंड नंबर पे काफ़ी देर तक था वो। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर लॉन्च डैश इनिशिएटिव, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी फसल मेरा हाथ, मेरी फसल पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, मेरी पॉलिसी मेरी फसल पॉलिसी इनिशिएटिव, मे बी, मे बी। हु अमंग द फॉलोइंग मोड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे? मस्कट फॉर टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन था? कोबोल मेरितोवा, मिराई तोवा, यही यही लग रहा है जैपनीज नेम,
मोटी पोप, विच एनिमल वॉज नॉट सीन ऑन सील्स? बफलो, हॉर्स, गोट, एलिफेंट. हाथी नहीं था शायद, है ना? या हाथी था? हाथी नहीं था वैसे तो, गोट भी नहीं था. बफलो हो सकता है, हॉर्स भी थे, गोट शायद नहीं था. एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में श्योर हूँ, मेरे ख्याल से एलिफेंट नहीं था, है ना? लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया माउंटबेटन थे. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न, कब दिया गया था? ये 54 में अवॉर्ड किए गए थे शायद. क्लोरोफिल कंटेंस, क्लोरोफिल में क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या मैग्नीशियम होता होगा. तुक्का मार रहा हूँ. कोकेन इज ऑब्टेंड फ्रॉम कैनिबीज, अथ्रोपा, पोपी. कोकेन, कैनिबीज, गांजा, पोस्ता, एंथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम या एट्रोपा. यहाँ से तो क्या मिलती है? ओपियम मिलता है यहाँ से तो ना, पॉपी से तो गांजा लगाते हैं, कैनबीस. अल्कोहल की विलयता किसके कारण होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनाइजेशन, वॉलेटाइल नेचर ऑफ अल्कोहल, लो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल. आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा आंसर. H2O एंड अल्कोहल होता है OH. ठीक है. नर्मदा रिवर ओरिजिनेट अमरकंटक से निकलती है. पद्म भूषण अवार्ड इज फ्रॉम USA. साइरस पूनावाला, प्रतिभा रे, सत्यनारायण वडेला, नडेला एंड वशिष्ठ त्रिपाठी. वशिष्ठ त्रिपाठी बिहार से हैं, प्रतिभा रे का पता है, साइरस पूनावाला, सत्यनारायण, सत्य नडेला जो वो US में है फिलहाल. एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ एंड बींग वॉज इंक्रीज बाई -% ओवर द प्रीवियस ईयर. बजट, बजट का नहीं पता. एलोकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन छोड़ते हैं. लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके. डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर. ये भी ठीक होना चाहिए वैसे, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात. वैसे तो हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? फर्स्ट इलेक्टेड, इलेक्टेड वैसे तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा नॉर्मली थे, नॉमिनेटेड थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था इलेक्शन के तौर पे, ठीक है ना? इलेक्टेड यार क्या करूँ, निर्वाचित राजेंद्र प्रसाद ही मानेंगे. वैसे तो सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे 2 दिन के लिए. ओके, अब आ गई रीजनिंग. टाइम हो गया, इसको करते हैं 25 मिनट में करते हैं. चलो, POR -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. नेक्स्ट. ओके, 53 61 43 62 तो 64 4 64 4. कथन सत्य है, गेहूं जो पानी है की संख्या 12 है. गेहूं, इसको इंग्लिश में करते हैं यार. द नंबर ऑफ व्हीट विच आर वाटर, नंबर ऑफ व्हीट विच आर वाटर, नंबर ऑफ व्हीट विच आर वाटर 12 है और 12, ठीक है. नंबर ऑफ राइस विच आर नॉट वाटर, नंबर ऑफ राइस विच आर नॉट वाटर 16, 16 9 25 है. ये भी ठीक है, इज आर करेक्ट. तो दोनों दोनों करेक्ट है. ओके. सम टेप्स आर, सम रोप्स आर टेप्स, सम रोप्स आर टेप्स, टेप्स. ऑल टेबल्स आर क्लॉथ्स. अच्छा, सम रोप्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर क्लॉथ्स. ओके. सम पेपर्स, अरे यार पेपर भी तो है, एक और था ऊपर. सम पेपर्स आर टेबल्स, सम पेपर्स आर टेबल्स, ठीक है.
सम पेपर्स आर क्लॉथ्स, ओके, सम रोप्स आर क्लॉथ्स, ठीक है, नो क्लॉथ इज अ रोप, गलत है, नो पेपर इज अ रोप, नो पेपर इज अ रोप, ये ठीक हो सका है, लेकिन ये भी तो गलत है, नो पेपर इज अ रोप ज़रूरी थोड़ी ना है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड करता है। अरे ये मैंने लगा क्यों दिया, रिप्लेस, ये आया फिर ये उल्टा हो गया, फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि पहले और तीसरे में से आएगा, 3 4 5, यहाँ पर 6 हैं और इस तरह वाला, 6 का इस तरह वाला, यानी कि ये आंसर है। ओके, रिप्लेस करना साइन, तो 41 4 30 भाग तो मेरे ख्याल से होगा नहीं, भाग नहीं करेंगे फिर, 41 माइनस 4 इक्वल टू 39, प्लस में 73 गुणा में 25 माइनस में 4 गुणा में 30, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा चला जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, कैसे करें यार। हाँ इसको कैसे करें, 41 गुणा 4 प्लस में 39 माइनस में 73 इक्वल टू 25 है, गुणा 4 प्लस में 30, 25 चौका 130, 130 हो गया, और 1 चौका 4 4 चौका 16, 134 है, 164 प्लस 39 माइनस 73 है, 9 4 13, 6 3 और 1 10, 203 में 73 गए, 3 70 130, इसका मतलब सेकंड वाला आंसर आ गया, -10 प्लस 20, 1 मिनट, -10 नहीं, -86, 1 मिनट, 1 मिनट रुक गया यार, -10 प्लस 20 और फिर -30 प्लस 40, क्या आएगा, 96 86 106, ठीक है, पचास 10, फिर 20 बटा दिया, फिर 30 काट दिया, दस काट का 20 दे दिया, फिर 30 और 10 और काट 66, फिर 40 बटा दिया, 66 होगा मेरे ख्याल से, है 66 ही दिखता है भाई सॉल्यूशन, तो चलो 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंगेज इन ग्रुप डिस्कशन, ए स्पीक स्पोक इमिजिएटली बिफोर डी, बिफोर डी, ओके, बट इमिजिएटली आफ्टर बी, आफ्टर बी, ओके, हु स्पोक, बी स्पोक इमिजिएटली आफ्टर सी, ओके, आफ्टर एफ, इफ सी स्मोक स्पोक इमिजिएटली आफ्टर डी बट आफ बिफोर ई, अच्छा, हु द फॉलोइंग स्टार्टेड द डिस्कशन, आफ्टर सी, तो एफ ने शुरू करी थी है ना, एफ ने शुरू करी है, ओके, 8 फ्रेंड्स फेसिंग द ईस्ट, स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द ईस्ट, ओके, ओनली 2 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड एम,
1 2 3 4 5 6 7 8 आर एंड एम के बीच में 2 पर्सन हैं। एस इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड क्यू। एस इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड क्यू। एन इज़ स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम के है। एन इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। 1 2 3 के बाद यहाँ पे ओ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। ओके हाउ मेनी फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग बिटवीन एन एंड एस। 2 बंदे हैं। इन अ बर्थडे पार्टी देर आर 84 चॉकलेट इन साइड अ बॉक्स। चाइल्ड टुक 24 फ्रॉम इट बट पुट बाइस बैक टू द बॉक्स। ठीक है, 2 लिए सिर्फ। ही अगेन टुक 27 आउट बट पुट 19 बैक, यानी कि 8 और ले ली, 8 और 2 10 ले ली। लास्टली ही टुक 15 आउट ऑफ द बॉक्स, 25 ले ली। 25 ले ली तो कितनी रहेगी, 59 रहेगी। लैपटॉप कोटेड एज 28। 28 क्यों, 28 क्यों, अट्ठाईस क्यों भाई। छत्तीस 20 16 ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। PNL का जोड़ ये 12 हो गया। 12 कैसे हुआ, इसका इसका जोड़ 25 है। 18 7 का जोड़ 21 15 का जोड़ ठीक है। फिर मेंबर तो 18 13 31 है। 5 5 10 है और 13 2 15 ये आ गया। कंबाइंड टू मेक अ गिवन फिगर। इतना है यहाँ पे ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे, और ये तीर फर्स्ट वाला होगा है ना। फर्स्ट वाला है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ रागिनी शिल्पा सेड शी इज़ माय ओनली ब्रदर्स। के छोरे की वाइफ की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है यानी कि ये मेरे भाई की बीवी है। रागिनी रिलेटेड टू शिल्पा, रागिनी जो वो ब्रदर्स वाइफ लागे। ठीक है, 9 पॉइंट्स ठीक है। एम इज 5 किलोमीटर, एम इज 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ टी। एम इज 5 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट ऑफ टी 5 किलोमीटर ठीक है। टी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी, 6 ऑफ पी ठीक है। पी इज 7 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ओ, 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ओ। ओ इज 3 किलोमीटर साउथ ऑफ आर, 3 किलोमीटर आउट ऑफ आर इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एस, 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एस ठीक है। एस इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ यू, 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ यू। एन इज 9 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एन, वेस्ट वेस्ट ऑफ यू है, एन है वेस्ट ऑफ यू के वेस्ट में, यू के वेस्ट में 9 किलोमीटर है एन ठीक है। ओके, क्यू इज 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ एन, एन के साउथ में 8 है क्यू। ओके, इन विच यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम। यू बनया 5, ये 2, इसका मतलब ये भी 5 है, इसका मतलब साउथ में पड़ा। यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम, साउथ में। ओके, चार्जर चैरिटी चैरिट चांस, चांस पहले तो 4 आएगा, 4 के बाद फिर हो गया 1, 4 के बाद हो गया 1, 1
एक के बाद आ गया तीन, चार, एक, तीन, दो, पांच, यही है, ठीक है ना। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्रोफोन, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम एज इन अल्फाबेट। अल्फाबेट आर नहीं, एस टी, एक तो ये हो गया, एक बी सी डी ई, ये तो नहीं है। ओके अब ओ एन, एक ही हो गया, तो एन ओ पी, ये तो नहीं है, पी क्यू आर, एक ये हो गया, तीन सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये भी नहीं है, ई एफ जी एच, चार, ठीक है, एक मिनट में लिख दूँ, एस टी, उसके बाद एन ओ, उसके बाद एफ जी एच ई एच, उसके बाद पी क्यू आर, पी आर, चार हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये तो नहीं है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये भी नहीं है, ई एफ जी एच पी क्यू आर एस टी यू वी एच आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल, नहीं है, चार ही है इसका मतलब, तो चार। यू आर गिवन अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट, पी ग्रेटर देन क्यू है, क्यू लेस देन आर है, ठीक है, सो पी ग्रेटर देन क्यू है, जो क्यू है वो लेस देन आर है, यानी कि आर यहाँ कहीं पे बिलोंग करता है। कैन बी आंसर्ड बाई यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, पी ग्रेटर देन आर नहीं दिया जा सकता। एक मिनट यार, एस भी है क्या कोई, एस तो नहीं है, क्यू ग्रेटर देन एस, ये तो है ही नहीं, पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, बहुत बढ़िया। हंगर इज रिलेटेड टू इतना कैसे, चार 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 छोटे, डेंजर कितना है, आठ, यानी ये एच ई, एन का बनेगा आर, जी का बनेगा के, एच ई आर के, ई का बनेगा नौ, यानी कि आई, और आर का बनेगा वी, एच ई आर के आई वी, नौ, नौ नहीं, सात, चार, ग्यारह, ठीक है। पेपर इज फोल्डेड कट शोन बिलो अपियर अनफोल्डेड, इतना इतना फिर इतना फिर ये, एक डब्बा, तीन, तीन छः, तीन तीन छः, चार, इसका मतलब डी आंसर आएगा, डी है, ओके। ये वाला मिरर रख दिया, यही आंसर है फिर तो, ठीक है। 11 9 13, 11 9 13, 5 2 5, कैसे किया इसने यार, उसने कैसे किया ये, पांच दो सात,
11 में 6 हैं, 7, तो 13 में तो 5 गए, 8, 64। ओके, कोड लैंग्वेज केम बार तो मीन्स ही इज़ क्लेवर, बार तो क्लेवर एंड रिच, सो क्लेवर हो गया बार, ठीक है। सी इज रिच, इज रिच। जिप तो लाप, लाप का मतलब हो गया इज, और रिच का मतलब हो गया नहीं, एक मिनट यार, क्लेवर एंड रिच। ओके, इसका मतलब क्लेवर एंड रिच है। शी इज रिच यानी कि लाप का मतलब हो गया रिच, शी इज क्लेवर, एंड तो का मतलब हो गया इज यानी कि जेल का मतलब हो गया शी। नेक्स्ट करते हैं, 48, 75, 48 प्लस में 27, 27, 10, 20, 23, 23 के बाद फिर 27 और फिर 23, अब फिर 27 होगा, 175। इफ इतना मीन्स एडिशन, इतना मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 168 गुण 168 डिवाइड बाई 12 एट द रेट प्लस में 14 गुणा में 6 माइनस में 13, ठीक है। 12 एकम 12, 4 12 चौक 48, 14 14 प्लस 14 गुणा 6 था, 14 सते 37, 49 दूनी 98 माइनस 13 यानी ये 85 उत्तर आएगा। ओके, वेन डायग्राम, रशियंस कैनेडियंस एंड साइंटिस्ट, और रशियन कैनेडियन एंड साइंटिस्ट इसमें आएगा। थ्री ऑफ दी ऑप्शंस एक अलग है, कैसे? 6 7 14, 7 3 10 11, ये 3 पे कटता है, बाकी कोई 3 पे नहीं कटता। सात, 7 2 14, तो नहीं, 7 2 14 दो, ये भी नहीं, 7 2 14 3, ये भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब यही आंसर फिर तो, पैटर्न यहाँ पे क्या आएगा? इसका ये नहीं, ये भी नहीं, यानी ये चौथा आंसर है, ठीक है। फिर ए बी सी डी एफ जे के कितना हो गया? 4, 4 8 9 हो गया। सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग सेंटर, 1 2 3 4, और ये आ गया पांचवा। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 4। ओके, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2, ये डी हो गया, और डी के फोर्थ टू द राइट ऑफ डी है, 1 2 3 4, ये आ गया सी। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3, ये आ गया ई। बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ के, बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ के यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। कॉम्बिनेशन आर द थ्री पर्सन सिटिंग टुगेदर, के ई बी नहीं है, डी एच ई बी सी के एच सी, ठीक है, यही आंसर आएगा इसका। तो 12 208, 12 1 12 8 नहीं कटेगा, 6 2 6 18, 6 पे भी नहीं कटेगा, 9, कैसे है ये 12, 9 9 1 9 9 2 18। ओके,
9 × 12 तो 12 × 14 नहीं, 14 नहीं, 14 तो चाहिए यार ये 12 पे। अगर ऐसा कुछ है तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ये 12 पे कट गया और ये 12 × 12। इसका तो कुछ और ही है, 15 का कैसे करूँ अब? 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 8 और 19, 19 8 27। ठीक है तो 12 12 144 है, 144 प्लस में 36 भी करूँगा तो भी 208 में से काटूँ 144, 4 और 20 में 6 = 64। कैसे हो रहा है यार ये? चौदह भी नहीं, 18 भी नहीं, 19, 19 × 38, 19 में 218 आना चाहिए फिर, 19 के साथ भी नहीं होगा ये तो। दो सौ आठ आएगा कैसे यार ये नहीं पता। एक सौ चौवालीस प्लस 208 करूँ एक बार, 8 × 4 = 12, 4 × 1 = 5, 352 भी कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है पर मेरे को करना था यार ये। अठारह पंजे 90, 180, 90 तो 170, पर 270 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 360 जरूर हो सकता है। 9 × 12 15 × 15 = 30, 6 × 15 = 64, 3 × 4, 3 × 4 = 34। चौबीस निम्मा 216 होता है ये भी। पंद्रह की 34 की लगुना है, इसकी 12 की लगुना है, समझ में नहीं आ रहा की है। कैसे होगा यार? 54 का 2 गुना है, 12 नहीं, 54 34 गिला नहीं, 24 गिला, ठीक है ना? अब समझ गया, 9 की 6 गुना दुगुना कर दिया, सो 15 की 12 गुना दुगुना कर दिया, ठीक है, और 12 की किसके गुना 9 के गुना उसका दुगुना कर दिया। नहीं, 12 नहीं, 108 की दुगुना, 208 थोड़ी ना,
चौवन दुनी 108, 115 की पार आ गया, 15 माइनस 12 ना, 15 माइनस 15 गुना 15 माइनस 3, और 9 की 6 के लिए 9 6 54, 54 दुनी 108, 15 12 15 दुनी 30 180 दुनी तो 360, और 12 निम्मा 108 दुनी 216 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है यार, ये 208 क्यों आ रहा है, समस्या ये है ना। मैं तो 360 लगा रहा हूँ, बाकी जो होगा ऊपर वाले की मर्जी है। ठीक है, देखते हैं यार क्या होता है, इसको लगाएंगे बस, टाइम वेस्ट क्यों करना ज़्यादा। चलो टाइम रह गया 39 मिनट। सिमिलर टू कीवर्ड एरोप्लेन, क्या था सिमिलर टू कीवर्ड एरोप्लेन, बर्ड है, उड़ सकती है बर्ड। 20 ईयर ओल्ड मनीष 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, 20 ईयर ओल्ड तो ये 4 साल का है। हाउ ओल्ड विल मनीष बी वेन ही इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ग्रीस, ठीक है, 3 गुना होने के लिए इसको कितना, 4 साल का यानी कि 24 का होना पड़ेगा, ये 8 का हो जाएगा तब तक। ठीक है, 5 फ्रेंड हैं, इन्नो इज टॉलर देन टिंकू, इन्नो इज टॉलर देन टिंकू, अमंग ऑल टिंकू कम्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, टिंकू यानी कि इससे भी बड़ा कोई, यानी टिंकू बीच में है, यहाँ पे ऐसे हैं 5 है ना। गुड्डू इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, गुड्डू यहाँ पे खड़ा होता है। सोनी इज टॉलर देन टिंकू बट नॉट द टॉलेस्ट, यानी कि आई यहाँ पे है और सोनू यहाँ पे है। हु कम सेकेंड पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, इन्नू हो गया, सोनू हो गया, टिंकू हो गया, दीपू आ गया, दीपू। रमेश ईट्स आमंड्स एवरी डे, ही इज़ गुड एट मैथ्स, हिज आई क्यू लेवल इज़ गुड। इफ़ यू कांट ईट आमंड्स यू वॉन्ट सक्सेस सक्सीड इन मैथ, गलत है। इफ़ समवन्स आई क्यू इज़ गुड देन ही ईट्स आमंड्स एवरी डे। रमेश रोज़ बादाम खाता है, वह गणित में अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है। यदि आप बादाम नहीं खा सकते हैं तो आप गणित में सफल नहीं होंगे। यदि किसी का आईक्यू लेवल अच्छा है तो वह हर दिन बादाम खाता है। यार वैसे बादाम से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन केवल निष्कर्ष 2 को लगा देंगे, ठीक है, देखेंगे ये फॉलो करेगा कि नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता ये फॉलो करेगा, फिर भी लगा देते हैं। संदीप और प्रदीप भाई हैं, ठीक है, संदीप इज ब्रदर ऑफ प्रदीप, ठीक है। वीरा नंदलाल की एकमात्र पुत्री साइली की माता है, वीरा, वीरा इज नंदलाल ओनली डॉटर, सियाली इज मदर, ठीक है, कोई नंदलाल है। वीरा, अच्छा तो नंदलाल है, नंदलाल की वाइफ है वीरा, ठीक है, वीरा सियालीज मदर है, वीरा सियाली की मदर है, ठीक है। और जो वीरा है ना, वीराज ओनली डॉटर इन लॉ जूही है, वो प्रदीप की वाइफ है जूही, ठीक है। हाउ इज सियाली रिलेटेड टू संदीप, बहन लागी नहीं, सिस्टर लागी। एम्बेडेड इन द फिगर, ये वाला नहीं है, नहीं है, ओके नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला नहीं है, ओके। डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसने आगे पीछे सरका दिया क्या, 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 रेक्टेंगल्स हो गए। ठीक है, अब ये कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए, 9 10 11 12 ठीक है, 9 10 11 12 और ट्रायंगल नहीं है क्या, एक मिनट यार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, उसके बाद 9 10 11 12 12 ट्रायंगल्स ही बने और आया तो 1 2 3 4 5 छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 15 12 और एक ये 4, ठीक है, नहीं तो वर्ग हो जाता है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यार समझ नहीं आ रहा कुछ भाई, एक्सेप्ट स्क्वेयर्स, अच्छा स्क्वेयर छोड़ने को बोला इसने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर 9 10 11 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 14 ही हो गए, वो कितने थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 दो आएगा इसका आंसर तो। चलो, मिस्टर एक्स वॉक्ड 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 75, ठीक है, देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक्ड 25 मीटर, ओके, लेफ्ट अगेन वॉक्ड 80 मीटर, ठीक है, देन ही टर्न टू राइट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, विच डायरेक्शन इज ही मूविंग फाइनली, ये चल रहा है साउथ वेस्ट की तरफ में, ठीक है ना, ओके, एच ग्रेटर देन इतना कंक्लूजन, टी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, सो टी जो सी है, नहीं, टी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, ये ठीक है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, नहीं, सी के और इसके बीच में कोई नहीं, सो ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल एफ आर ए सम जेड आर ए, सम जेड आर ए, नो जेड इज एफ, गलत है, सम ए आर जेड, ठीक है, सम एफ आर जेड, ये गलत है, ओनली सेकेंड फॉलो करेगा, ओके, 6% पी क्यू आर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं पीछे वाली कंडीशन ना दे दियो, नहीं ठीक है, 6% सिटिंग इक्वली स्पेस्ड फेसिंग वन अनदर
वन अनदर फ्रंट टू फ्रंट. ओके, पी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, पी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, क्यू इज सिटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ टी, इमीजिएट राइट ऑफ टी. कैसे यार, सर्कल फेसिंग वन अनदर फ्रंट टू फ्रंट. अच्छा, ठीक है ठीक है, ऐसे बैठे हैं, क्यू पी के पर है एंड क्यू इज सिटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ टी, इमीजिएट राइट ऑफ टी यहाँ पे है एंड इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर यहाँ पे है, पी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू यहाँ पे हो गया एंड राइट ऑफ एस यहाँ पे हो गया. हु इज सिटिंग अपोजिट टू आर, यू बैठा भाई. नेक्स्ट, मिसिंग अल्फाबेट डी, 4 और 7 11 28, तो एच यानी 8 काट दिया तो कितना आ गया 26, 26 नहीं 24, 24 होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है ना. ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से देखते हैं. अभी स्वीकृति, पहले प्रवेश की अधिसूचना होगी, पहले नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन होगा, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, 4-6 के बाद 5 होगा एडमिट कार्ड, उसके बाद 2 होगा एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद 1, उसके बाद 3. नहीं, पहले यही आंसर इसका मतलब दो. नोटिस, नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर एडमिट कार्ड, फिर एंट्रेंस एग्जाम एंड देन. आई थिंक ये होना चाहिए, बाकी ये भी आ सकता है, जो ये सेकंड वाला भी आ सकता है मेरे ख्याल से. पहले 4 नोटिफिकेशन आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट होगी, फिर 6 ऑनलाइन, फिर नहीं यही होगा. ओके, क्या करना है, फोल्डिंग फोल्ड करने पे कैसा आएगा, 6 2 6 2 ये नहीं आ सकता, 6 5 4 ये आ सकता है, 5 2 3 ये नहीं आ सकता, 4 का उल्टा है 1 ये भी नहीं आ सकता, इसका मतलब आंसर भी आएगा, आंसर भी आएगा ओनली, ये है ना, 6 5 4. ओके, मेडिटेशन से पीस मिलता है, ट्रीटमेंट से, मेडिटेशन पीस के लिए की जाती है, ट्रीटमेंट डिजीज़ के लिए किया जाता है ना, ध्यान शांति के लिए किया जाता है, उपचार बीमारी के लिए किया जाता है या स्वास्थ्य लाभ के लिए. शांति चाहिए तो ध्यान करो, शांति चाहिए तो ध्यान करो, स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो कर उपचार करो, मेरे ख्याल से ये है. टीचिंग को इतना लिखा जाता है टी जेड टी, टी का हो गया -13, और तो -13 करेंगे तो नहीं 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 उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, सी का उल्टा एक्स हो गया, एच का उल्टा एस हो गया, आई का इंडियन रेलवे, एन एम जी टी रोड, ठीक है. तो सिम्बायोटिक का एस का उल्टा, एस का उल्टा हाई स्कूल, एच बी, एम का उल्टा होता है एन, यानी कि लास्ट के दो में से है, उसके बाद है बी, बी का उल्टा होगा वाई, यानी कि ये आंसर आ गया. नेक्स्ट, दी गई आकृतियों में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रह गए भाई, जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है, ये वाला फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट ही है. ओके, माइक्रोक्वेक किस, इनके अक्षरों से कौन सा बन सकता है,
मिर, ओ क्यू एल नहीं बन सकता, एम के दो बार के नहीं है, रोक क्यू यू ए की ई, ये हो सकता है, ऐसे भी नहीं है, ठीक है यही है फिर तो। जे, जे एच का पुत्र है, जे जो है वो एच का पुत्र है, एच एच एम की पत्नी है, एम की पत्नी है, और एम जो है एम एस का पुत्र है, एस का पुत्र है, और एस जो है एफ का पति है, एस एफ का पति है, ठीक है। तो एफ जे से किस प्रकार दादी लागी, दादी लागी, दादी लास्ट के दो, ए एक छः सात अर छः 13 छः 19 अर छः 25 19 यानी एस, ठीक है। लास्ट का देख लेते हैं, छः छः 12 अर छः 18 अर छः 24 24 यानी एक्स, ओके। स्थापित कर देगी, ये घूमे इस तरफ घूमे इस तरफ घूमे, फिर नीचे आएगा यानी कि सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आएगा। ओके टेस्ट हो गया ख़त्म। दो क्वेश्चन नहीं है तो जीके के हैं, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैंने नहीं किया, ठीक है। तो सबमिट कर रहा हूँ, कंधे कर रहे हैं दर्द और 8 बजने को हैं, 3 मिनट बाकी, इसका मतलब मैंने लगभग 1 घंटा 40 मिनट में टेस्ट को ख़त्म कर दिया, 40 से भी पहले। सबमिट करते हैं, कोशिश मतलब कोशिश क्या, चांसेस ये हैं कि जो स्कोर है वो 150 से ऊपर आए, लेकिन पता नहीं हुई क्या हो सकता क्या नहीं। सो सबमिट करते हैं, होपफुली 95 से ऊपर की परसेंटेज रहेगी, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। सो लेट्स सी, माउस पे हाथ रखे रखे यार कंधा फट गया एकदम से। सो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, 156, बहुत बढ़िया भाई, 98.59 स्कोर, फर्स्ट वाले से थोड़ा सा ऊपर है, सेकंड वाले से थोड़ा सा नीचे है। ओके रीजनिंग में बढ़िया है, रीजनिंग में कितना क्वेश्चन, कितने गलत हो गए रीजनिंग में, शायद 3 क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग में 3 गलत हो गए, जीके में थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ गलतियां हैं, तो देखते हैं फिर सॉल्यूशंस देख लेते हैं, अगर लॉगिन का ऑप्शन ना दे बस, ये कई बार लॉगिन का ऑप्शन दे देता है, सॉल्यूशन निकल जाए बस। ओके सॉल्यूशन, पहली बार सॉल्यूशन आए हैं, जीके में देख लेते हैं कौन कौन सी गलती, नहीं इसमें रीजनिंग में देख लेते हैं 3 गलतियां कौन सी हैं। कैटास्ट्रोफे, कैसे कैसे भाई, STR RST, ये तो गलत है, ठीक है, एस और टी में आता है बस, एक है, एक ही बन गया। उसके बाद ABCDEF, ये भी नहीं होता, ओ PQRST, अच्छा ओ और एस का हो रह गया यार, 5 आने थे इसका मतलब, 6 आने थे, एक और है, एक और है, ST हो गया, ठीक है, NT हो गया, ST हो गया, मैंने कहीं पे लिख रखे शायद, चलो अभी तो नहीं मिलेंगे, STNOEH, ठीक, PR, ओके एंड OT, ST एक OT EH EFGH PR, चलो कोई बात नहीं, एक आध तो चलता है। क्वेश्चन नंबर 29 में, इसमें क्या है ये देखना पड़ेगा, 65 50, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 3 का क्यूब, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 12/3 यानी कि 64,
ठीक है, ओके, ये भी ठीक है, 15 15 3 5, चलो इसमें भी गलती होनी थी। नोर, ये मैंने पहले ही बोला था। अभी देख लेते हैं, जीके जीके में छठा क्वेश्चन गलत है। उमे उन्मेष हिमाचल, एंड किस एथलीट को मैंने हिमादास लगाया था? रुकुल चौधरी, रुकुल चौधरी। 13th एडिशन इंडिया एंड, इंडिया एंड सऊदी, यूएसए। 11th बिकम फर्स्ट वुमेन, ओबामा, नहीं माया, माया ओंगलेव। 13th सिटी स्टार्टअप किसने? अहमदाबाद या दिल्ली? दिल्ली। 19th सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल, उर्दू। ठीक है, गवर्नमेंट परमिटेड 15% या 20 है? 20%। उसके बाद रेबीज किससे होता है? माइकोप्लाज्मा वायरस से। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022, 22। राशिद खान सिविल सर्विस, 8 से, ओके। उसके बाद कोई गलती, 4 गलतियाँ हो रहा है। गौतम अडानी की तीसरी तीसरी रैंक, और 37वां नरेंद्र तोमर लॉन्च्ड, मेरा फसल मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरे हाथ। ठीक है, मोटिव ऑफ एनिमल नहीं था गोट, हॉर्स नहीं था, हॉर्स नहीं था, अच्छा है। कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी या जाइलम? जाइलम, एरिथ्रोक्साइलम। हो गए, अब करते हैं इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत है। स्कीम वॉज डैश फॉर वांट ऑफ, द स्कीम फेल थ्रू, फेल थ्रू या फेल ऑफ, फेल थ्रू, ओके। चौथा है एक्सट्रडिक्शन का एंटोनिम बताना है, इमिग्रेशन या रिफाउलमेंट, इमिग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ठीक है। प्राइस फॉर द डिस्कवरी पेंसिलिन हैड गिवन अ डैश वार्निंग, सबड्यू कोलिजन, प्रोफाउंड वार्निंग, प्रोफाउंड विख्यात, ठीक है। उसके बाद हिमसेल्फ मे इजिली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड बाई डैश हिज माइक्रोब्स एंड बाई पुटिंग ऑन हिज माइक्रोब्स टू नॉन क्वान्टिटीज ऑफ ड्रग, पुटिंग ऑन, ड्राइंग अप, ड्राइंग अप। 20% लोगों ने ठीक आंसर दिया भाई इसका सिर्फ। शी डिसाइडेड टू डैश एज द कंपटिशन वॉज क्वाइट स्टिफ, शी डिसाइडेड टू गेट आउट, स्टैंड आउट, स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन, ठीक है। 16% ने ठीक दिया। हु इज़ योर सिस्टर अमंग दीज 3 पीपल? हु इज़ योर सिस्टर्स, विच इज़ योर सिस्टर, हु इज़ योर सिस्टर अमंग दोज पीपल इन द पिक्चर, विच इज़ योर सिस्टर? अच्छा है, ओहो, बिकॉज ही फिनिश वर्क देयर फॉर हैंस हिज कोलिग्स थिंक इज नॉट, अच्छा चलो कोई बात नहीं। डिप्लोरेबल, इक्विटेबल, डिजायरेबल, कमेंडेबल, इंटॉलरेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल। उसके बाद 56वां एविडेंस बिकेम इन कंट्रोल लीडिंग द स्टोरी टू इज लॉजिकल, डिनोमेंट, डिनोमेंट, डिनोमेंट। स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी, डिनोयूमेंट करके कुछ है। योर गैस इज एज गुड एज माइंड, यू हैव द सेम आइडिया, नो आइडिया ऑफ द आंसर, ठीक है। 78 अपडेटेड आरबीआई पॉलिसी में कौन सा विल नॉट अलाउ इंडिया टू सेव मनी? अरे अच्छा, हाँ यार, हाँ यार, ये तो ट्रू ही नहीं था ना, ये मैंने, बताओ, मैं इसको पढ़ भी रहा था बार बार।
मिजरेबली टू दी अटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एवरीबडी एट एन अटर बाई दी अटरली नो इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट। 92 ऑप्शन टू दिस डैश इन टेम्परेचर दिस रेज इन टेम्परेचर या इंक्रीज, इंक्रीज लगा दिया, इंक्रीज तो यार वर्ब होती है, इंक्रीमेंट आना चाहिए, इंक्रीज इज अ नाउन। नहीं भाई ये नाउन कैसे दे दिया, चलो दे दिया तो फिर देखेंगे। सो ये था टेस्ट परफ्यूज का, स्टिंगी फलसम होता है। ओके टेकलेस का कितना, कालस कालस ठीक है, बस दो ही छोड़े थे, दो में से एक ठीक है गलत हो गया। सो ये था टेस्ट। तो भाई अगर कोई स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहा है तो वो अपना स्कोर बताओ यहाँ पे कितना, कौन से टेस्ट में कितना स्कोर आया है। एंड मेरा 3 बार ऐसा हो रखा है कि 2 बार 99 से ऊपर मैं चला गया हूँ, 1 बार 98.56 शायद आया है, ऐसा कुछ आया है, देख लेते हैं। सो रैंक आई होप 200 से ऊपर रैंक नहीं गई होगी, या गई थी, मैंने रैंक पे ध्यान नहीं दिया यार, 178 ठीक है, 200 से ऊपर नहीं गई है, रैंक ठीक ठाक बनी हुई है अभी। सो यहाँ पे 75 अंक और बढ़ सकते थे, यानी 157.25 का स्कोर हो जाता। चलो कोई बात नहीं, इतना भी अच्छा होता है, 98.59% है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करो, और जो अटेम्प्ट दे रहा है स्टेनोग्राफर का, जो पेपर देने वाला है, वो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर देख के जाए, आपको पता लगेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, मतलब अगर गैस भी लेना है तो कैसे गैस लेना है, आप मार्क्स के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे 94% और 83, 86% तो काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा है, 70% के आसपास है, हाफ से 50% से तो ऊपर ही है मार्क्स, तो अच्छे खासे हैं। चलो फिर बाय फॉर नाउ, अगले में मिलते हैं।